कि 90 रोज के अंदर अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो कहां लिखा हुआ है कि 90 रोज में अगर इंतखाबात नहीं करवाएंगे तो आर्टिकल 6 जो है वो लग सकता है। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि आईन को पढ़ लें, आईन के हर आर्टिकल की अगर खिलाफ वर्जी होगी तो आर्टिकल 6 लग सकता है। आर्टिकल 6 अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। अब ये नहीं हो सकता कि आईन के हर आर्टिकल के लिए अगर अमल दरामद ना हो तो आईन के अंदर शिक्के डाल दी जाए, उसकी सजा क्या होगी। आईन के ऊपर अमल दरामद ना करना, आईन को तोड़ना, आईन से रू गर्दानी करना ही आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप अपने आप को आईन से बड़ा समझ लें, कानून से बड़ा समझ लें और आप ताकत के नशे के अंदर इतने अंधे हो जाएं कि आप इंतखाबात करवाने को तैयार ना हो। ये इंतखाबात तक हम पहुंचे कैसे हैं? पिछले 9 माह में इमरान खान साहब ने भरपूर अवामी मुहिम चलाई, मुल्कगीर 52 जलसे किए, अवाम की राय को उन्होंने हमवार किया और हमने लॉन्ग मार्च के दौरान अपने लीडर के ऊपर कातिलाना हमला होता हुआ देखा। ये इमरान खान की एक दलेराना और एक बड़ी सोच का नतीजा था कि उन्होंने पूरी कौम को यह पैगाम दिया कि आपने मुश्तियल नहीं होना। जिस दिन आपने इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला करवाया उस दिन आप मुल्क में आग लगवाना चाहते थे, आप मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने आपका वो, अल्लाह ने इमरान खान को नई जिंदगी दी, इमरान खान ने वो आपका मंसूबा नाकाम बनाया। इमरान खान ने कौम को कहा कि हमारी जिद्दोजहद पुरअमन है, आपने पुरअमन रहना है। उसके बाद हमने इस्लामाबाद मार्च अपना मौखर किया। क्यों किया? क्योंकि आप चाहते थे कि इस्लामाबाद में तसादम हो, मुल्क में खून रेजी हो। हमने आईनी रास्ता इख्तियार किया, यहां पर कोई काउंसलर की सीट नहीं छोड़ता। हमने अपनी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील की, क्योंकि आईन में अगर सूबाई हुकूमतें तहलील हो जाएं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। अब आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लोटे बनाने की कोशिश की, जमीरों के सौदागर आपने लाकर यहां पर लाहौर के होटलों में बैठा दिए पकड़ के, लेकिन आपको नाकामी हुई। अब असेंबलियां तहलील हो गई हैं तो अब ताकतवरों की निगरानी के अंदर निगरान सेटअप बना दिया गया है। ये निगरान सेटअप नहीं है, ये ताकतवरों की निगरानी में बना हुआ सेटअप है। जो सेटअप जरदारी का बच्चे जमहूरे को वजीर आला बना देता है, जो सेटअप 25 मई के अफसरान को लाकर सीसीपीओ लाहौर लगा देता है और वो सीसीपीओ लाहौर गुज़िश्ता रात 9 बजे इजलास करते हैं अपने दफ्तर में और उस इजलास में तमाम अफसरान को ये कहता है कि जो ऊपर से यानी ताकतवर हलकों से जो अहकामात आएंगे वो अहकामात आपको मानना पड़ेंगे, जो अहकामात वो नहीं मानेगा वो इस दफ्तर से उठ के चला जाए। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आईन और कानून से ताकतवर क्या है? आईन और कानून के मुताबिक जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन इन्होंने फवाद चौधरी को गिरफ्तार करना है, इन्होंने उनके ऊपर बगावत के गद्दारी के मुकदमे बनाने हैं। मुझे ये बताएं फवाद चौधरी ने कौन सी गद्दारी की थी, कौन सी बगावत की थी? फवाद चौधरी यही कह रहा था 90 रोज में इलेक्शन कराओ और वो इलेक्शन कमीशन, जिस इलेक्शन कमीशन में एक आईनी अदारा है लेकिन उस आईनी अदारे के अंदर बैठे जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारान की वफादारी आईन के साथ नहीं है, उनकी वफादारी कहीं और है। जो उनको जितनी चाबी दी जाती है उतने हुक्मनामों के ऊपर वो अमल दरामद शुरू कर देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं
ये 9 माह में जो आपने मुल्क का शर नशर किया अभी तक आपकी तसल्ली नहीं हुई? और भाई आम आदमी, गरीब आदमी आज 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला सकता। 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है, वो भी लाइन में लग के उसको 2-2 घंटे ख्वार होना पड़ रहा है उसको। आज जो इमरान खान जब हुकूमत में थे, रजीम चेंज साजिश कामयाब होने से पहले डॉलर 178 रुपए में था, आज 260 रुपए में नहीं मिल रहा। आईडी वाले फेरी वालों के नाम के ऊपर जाली अकाउंट बनाए हैं, टीटियां लगाई हैं, जिन्होंने ओमनी ग्रुप के नाम पर लूटमार की है उनको पकड़ो। आप कहते हैं नहीं, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। ओ भाई, सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ के फैसला करना। 22 करोड़ अवाम इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्योंकि उनको कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अंधेरा ही अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से उनको एक लीडर मिला है जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसका कोई कारोबार बाहर नहीं, जिसने लूटमार नहीं की, जो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, मुल्क दुश्मन नहीं है, जिसकी रग रग के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बाइस फखर बना है, लोग उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आए आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, आए बैठ के फैसला कर लेते हैं। हमें आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, आपको तो दुश्मनी करनी है, मुल्क दुश्मनों के साथ दुश्मनी करें। जो लोग पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए काम करें ना। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, इंतखाबात को ना रोकें। जो नफरतों के बीज पिछले 9 महीने में बोए गए हैं उसके बड़े देर पा संगीन नतीजे आने हैं, लिहाजा इन नफरतों को खत्म करें और लोगों को इंतखाबात करवाने दें, लोगों को अपनी हक राय दही वोट के जरिए इस्तेमाल करने दें। मुल्क को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पर हालात फिर किसी के काबू में ना रहें। आपके पास पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मुल्क पहले ऐसे नुकसानात उठा चुका है, लिहाजा आप ये सोच को तर्क करें, फौरी तौर के ऊपर तर्क करें, ये बंद कमरों में किए गए फैसलों को खत्म करें, मुल्क का सोचें। और आपसे यही उम्मीद, अच्छे की उम्मीद हमने लगाई है आपसे कि आप पुरानी पॉलिसियों को कैरी नहीं करेंगे, आप मुल्क की बेहतरी के लिए उसको मद्देनजर रखेंगे, आप अवाम की राय का जो है वो एहतराम करेंगे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अवाम की राय का एहतराम करें। और मैं मलिक अहमद खान को ये पैगाम देना चाहता हूं, उन्होंने कहा जी कल फर्रुख हबीब ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। ओ भाई, पुलिस की गाड़ी तो नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो कोई नाम मालूम काला वीगो था। मैंने तो उसको रोका, मैंने कहा भाई अदालत बुला रही है, 3-3 हुक्मनामे दे दिए हैं, आप इनको अदालत लेके जाएं, पूरे लाहौर का चक्कर कटवा के आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ताकतवर अदालत से भी ताकतवर है, उसका हुक्म हमने मानना है। मैं तो ये कल बड़ा इसके ऊपर हैरान हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया ने इस हुक्म अदुली को कैसे बर्दाश्त कर लिया। इमरान खान खड़े होकर कहते हैं कि जनाब जिन्होंने शहबाज गिल के खिलाफ कानून को नहीं माना उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इससे आगे कोई बात नहीं इमरान खान ने की थी। इमरान खान को तो तौहीन अदालत में बुला लिया गया था। यहां पर जब ताकतवरों के जैमर ऑन होते हैं तो आईजी के सिग्नल उड़ जाते हैं, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, पाकिस्तान पत्थर के जमाने में पहुंच जाता है। और मैं तो उनको तौहीन अदालत से रोक रहा था, अगर अदालत के हुक्मनामे के ऊपर वो याद करवाना तौहीन अदालत से रोकना जुर्म है, भाई 100 मुकदमे करें आप मेरे ऊपर। और अगर हमें गिरफ्तार करने से मुल्क ठीक हो जाता है, अगर मुल्क ठीक हो जाता है, 9 महीने में आपने गिरफ्तारियां भी की है ना, अरशद शरीफ भी शहीद हो गए, साफियों को भी फेंटी भी लगा दी, जेलों में भी डाल दिया, इमरान खान पे भी कातलाना हमला कर दिया, अगर मुल्क ठीक होना होता हो जाता, अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे तो आए हदायतनामा पकड़ें,
सारे मिलकर हदायतनामा पकड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इंतखाबात करवाएं। अवाम ये चाहती है भाई, अवाम ये चाहती है फौरी इंतखाबात। आप साफ और शफाफ इंतखाबात से भाग रहे हैं, अभी तक आपने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। 14 जनवरी से असेंबली पंजाब की तहलील है, आज तकरीबन 10 रोज से ऊपर होने को है लेकिन तारीख नहीं दे रहे आप, तो ये क्यों आइन से रू गर्दानी कर रहे हैं? कान खोल के सुन लें, हम आपको ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अवाम जिद्दोजहद के लिए तैयार है, पाकिस्तान की अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमने अपने हकूक के लिए जो जिद्दोजहद शुरू की है इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, देखें जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़े, बड़ों का मतलब समझ जाएं अब आप, वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि मैं बड़ों को ये कहता हूं कि बड़ों का काम ये होता है कि हमेशा जो है वो मुदब्बराना फैसले करने और बड़ाई के फैसले करने, लिहाजा बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। रेड लाइन जिसने लगानी है वो फैसला आवाम को करने दें, ये फैसला अब आपका फैसला नहीं। अच्छा, को भी था कि पहले आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई थी कि जिसमें जो आप असेंबलियां तो तहलील करने जा रहे थे लेकिन जो आफ्टर और शॉक अफेक्ट आने थे जो अब आ रहे हैं इसका आपको इदराक नहीं था आपकी पार्टी को? नहीं, देखें हमारी पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद के अंदर बनी पार्टी है, हम जमहूरी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम इक्तदार में थे तो क्या हमारे मुंह के ऊपर सोने का चमचा दिया हुआ था? इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता है हम FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे? ताकतवर तो उस वक्त भी ताकतवर था, उसकी निगरानी तो उस वक्त भी चल रही थी। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि ये आपकी ताकत बहुत अच्छी ताकत है लेकिन ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैंने किसी की तोहीन नहीं की, अभी किसी को बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात। नहीं, वो यरगमाल नहीं किया। अभी देखें जितनी बेचैनी है जितना इस्तराब है वो हुकूमती ऐवानों में ही है, वो इस टाइम मुल्क की तरक्की को भूल के, अवाम की फलाह को भूल के सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं किस तरह अपने मुखालफों को क्रश करना है। लिहाजा उनको अपनी आईनी इख्तियार का भी पता है और वो किसी भी वक्त अपने आईनी इख्तियार जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कार्ड उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए हैं। देखें हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो तो अब हमारा जायज मुतालबा है ना, असम्बलियां तहलील हो गई हैं, आप बर वक्त जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, यही हमारा फ्रंट डोर और बैक डोर यही मुतालबा है, इससे पीछे कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। भाई आइन में इंतखाबात हैं, आइन में इंतखाबात हैं। नहीं नहीं, देखिए गवर्नर ने अगर कहा है तो गवर्नर पाकिस्तान के चोटी के कानून दानों के साथ मशवरा कर लें, बोलने से पहले मशवरा कर लें, उनको जो है वो हजीमत नहीं उठानी पड़ेगी। तो क्या गवर्नर KPK ने जिसने दस्तखत किए हैं उसने तारीख दे दी है? ये तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं और ये मैं पाकिस्तान की अदलिया से ये बात करना चाहता हूं कि आप ये बताएं जब आइन पर कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तानी कौम ने अपने जोरे बाजू पे अमल दरामद करवाना है? भाई आप रियासत का एक पिलर है ना, अदलिया रियासत का एक पिलर है,
आपकी ये जिम्मेदारी, आपने अमल दरामद करवा रहा है, लिहाजा पाकिस्तान की अदालतों का, अदालतों में मौजूद हमारे मोजिज जजेस साहबान का बहुत बड़ा किरदार है। अब पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। जब आइन पे अमल नहीं होगा, जब बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की जाएगी, तो फिर ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ फराहम करें, आप मेक श्योर करें कि मुल्क में फौरी इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए। लिहाजा इस वक्त किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वक्त अगर इंतखाबात नहीं करवाई जाते, आइन की से रूगर्दानी की जाती है, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। फिर अदालत की जिम्मेदारी है कि वो आइन के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाए, लोगों को जो उनका हक रायदेही मिलना चाहिए उसको यकीनी बनाए। ये ना हो कि पाकिस्तान के लोगों का एतमाद फिर पाकिस्तान के हर इदारे से उठ जाए, तो लिहाजा मुल्क को उस तरफ ना लेके जाए। मरियम नवाज की वापसी के हालात बदल जाएंगे पाकिस्तान, मरियम नवाज की वापसी से पाकिस्तान के माशी हालात बदल जाएंगे। मरियम नवाज की आनियां जानियां जो हैं वो सिर्फ उनकी अपनी जात के लिए हैं। उनका जो छोटा सा ऑपरेशन होना था, मुझे लगता है वो हो चुका है, और वो उस ऑपरेशन में कामयाब ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान वापस आ रही हैं। तो वापस आए, आकर यहाँ पर आए, अवाम में आए, पता चलेगा कि उनकी अवाम के अंदर इस वक्त क्या बुकत है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जल्दी ठीक होंगे, और जल्दी इंशाल्लाह उनका भी बड़ा छोटा ऑपरेशन अडयाला जेल में होगा।